तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या आईयूपीएससी नेमिंग, नेम आईयूपीएससी नेमिंग में हमने आपको सेचुरेटेड बताया था, अनसेचुरेटेड, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला था, ठीक है। फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप यानी कि मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप हो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ठीक है। फिर हमने ये भी बताया था कि अगर आईयूपीएससी नेमिंग दिया हो तो उससे स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करते हैं। अब हम पढ़ेंगे आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ किसका, बाईसाइक्लिक कंपाउंड, ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड, इस तरह के अगर कंपाउंड होंगे तब हम आईयूपीएससी नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है बेटा। तो अगर हम हेडिंग डालोगे आज क्या क्या, आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ, आईयूपैक नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक एंड ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड, ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड, उस केस में हम नेमिंग कैसे करेंगे जब हमारा बाईसाइक्लिक और ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड दिया हो तो, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या कि बाईसाइक्लिक होता क्या है, ट्राईसाइक्लिक होता क्या है, ठीक है। तो यदि हम बाईसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें, बाईसाइक्लिक कंपाउंड, बाईसाइक्लिक कंपाउंड की अगर बात करें तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड एक्चुअल में होगा क्या, तो कंपाउंड विथ क्या हो जाएगा कि दो साइक्लिक कंपाउंड एक दूसरे से क्या हो, अटैच्ड हो, ठीक है। यानी कि दो रिंग कंपाउंड एक दूसरे से फ्यूज्ड हो उसी को हम बोलेंगे क्या, बाईसाइक्लिक कंपाउंड। तो यहां पे लिख सकते हो कंपाउंड विथ, कंपाउंड विथ टू साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन रिंग, कंपाउंड विथ टू साइक्लोएल्केन रिंग फ्यूज्ड, कंपाउंड विथ टू साइक्लोएल्केन रिंग रिंग आर फ्यूज्ड, फ्यूज टुगेदर, टुगेदर टू फॉर्म बाईसाइक्लिक कंपाउंड। या कंपाउंड विथ टू साइक्लोएल्केन रिंग आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म बाईसाइक्लिक कंपाउंड, यानी कि दो साइक्लिक कंपाउंड रिंग क्या होता है, फ्यूज हो जाए टुगेदर टू फॉर्म बाईसाइक्लिक कंपाउंड। अब अगर हम बात करें बाईसाइक्लिक कंपाउंड का, तो ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड क्या हो सकते हैं, ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड जो हो सकते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ एटम, यानी कि अगर हम बात करें तो ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड क्या हो सकते हैं, ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड हो सकते हैं कार्बोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। यानी कि ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द रिंग, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन द रिंग। कैसे, एग्जाम्पल देखो, अगर यहां पे देखो एक, ये क्या है, एक 6 मेंबर रिंग है और एक 4 मेंबर रिंग है। उसी तरह अगर हम बात करें, ठीक है, ये भी बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, एक 5 मेंबर, दूसरा 5 मेंबर, ये भी रिंग क्या है, दोनों दूसरे अटैच्ड है। तो वही ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन द रिंग, इसको बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। यानी कि कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड अगर होगा तो केवल कार्बन कार्बन का बॉन्ड होगा, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन होगा, अदर कोई एटम यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अदर क्या हो सकता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर।
उसी तरह दूसरा अगर बात करोगे तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की अगर बात करोगे, यानी कि अगर हम बात करें इसका, ये कंपाउंड, ये देखो एक रिंग ये है, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर, यानी कि 1 2 3 4 4 5 6 मेंबर एक रिंग ये हुआ, एक रिंग क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक रिंग ए हो गया, ये वाला एक रिंग हो गया और एक बी वाला रिंग हो गया। ये भी क्या है, ये भी बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, ये भी बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। और बाईसाइक्लिक किस टाइप का है, हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यानी हेट्रोसाइक्लिक एटम प्रेजेंट हो गया, इसलिए इसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। उसी तरह अगर मान लो हमारे पास ये है, ये भी क्या है, बाईसाइक्लिक है, बट यहां पे हेट्रोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइकल है, तो ये भी क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम देखते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक है यानी कार्बोसाइक्लिक, ओनली कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। ठीक है, तो इन तरह से कंपाउंड को बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर हम बात करें यहां पे एरोमेटिक कंपाउंड की, बात करो एरोमेटिक कंपाउंड की बात करो, तो ये भी दो रिंग बेंजीन का अगर फ्यूज किया जाए, अगर ये इस तरह से है, ये भी क्या है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। और बाईसाइक्लिक में क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक होता क्या है वो हम बाद में देखेंगे। तो ये इसको बोलते हैं नेप्थिलीन। ठीक है, इसका क्या नाम है, नेप्थिलीन नाम है। और इसका क्या नाम है, इसको बोलते हैं डेबको डाई एज बाईसाइक्लो ऑक्टेन, डाई एज बाईसाइक्लो ऑक्टेन, इसको बोलते हैं डाई एज बाईसाइक्लो ऑक्टेन। तो ये तो हुआ ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, कार्बन और हाइड्रोजन और हेट्रो एटम के प्रेजेंस के अकॉर्डिंग। दूसरा अगर हम बात करें बाईसाइक्लिक की, तो बाईसाइक्लिक में भी क्या होगा, साइकिल जो है, यानी कि दो रिंग किस तरह से एक दूसरे अटैच है ऑन, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ रिंग, ये तो था ऑन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन और हेट्रो एटम। ठीक है, तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ रिंग। तो अगर इसकी बात करोगे तो इसके बेसिस पे दो होता है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड की अगर बात करो ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ टू रिंग। तो अटैचमेंट के बेसिस पे एक होता है फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड, फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड, और एक होता है स्पाइरेन और स्पाइरो कंपाउंड। ठीक है, अगर फ्यूज बाईसाइक्लिक कंपाउंड की बात करोगे तो देखो यहां पे ये फ्यूज बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। क्यों है, तो यहां पे देखोगे कि ये जो ए रिंग है और ये बी रिंग है, ये ए और बी रिंग, अगर इस कार्बन को देखो और इस कार्बन को देखो, तो इस शेयरिंग किए हैं, एक बॉन्ड जो है, एक कोवेलेंट बॉन्ड इस ए के भी साथ है, इस ए रिंग के साथ भी शेयरिंग में है और इस बी रिंग के साथ भी शेयरिंग में है। यानी कि फ्यूज बाईसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कब होगा,
ठीक, इफ द टू रिंग शेयर वन कोवेलेंट बॉन्ड, इफ द टू रिंग शेयर वन कोवेलेंट बॉन्ड देन फ्यूज बाइसाइक्लिक कंपाउंड विल बी फॉर्म। या यहां पे लिख सकते हो इफ टू रिंग, इफ टू रिंग आर ज्वाइंट टूगेदर, ज्वाइंट टूगेदर इफ द टू, इफ टू रिंग आर ज्वाइंट टूगेदर बाई सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग, बाई सिंगल कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग, इफ टू रिंग आर ज्वाइन टूगेदर बाई सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग देन फ्यूज बाइसाइक्लिक कंपाउंड विल फॉर्म। यानी कि अगर दो रिंग ज्वाइन टूगेदर किससे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये देखो यहां पे ये क्या है, ये हमारा है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड शेयर रिंग ए एंड बी, तो ये क्या होगा, फ्यूज बाइसाइक्लिक कंपाउंड होगा। ये क्या होगा, फ्यूज बाइसाइक्लिक कंपाउंड होगा। स्पाइरन की अगर हम बात करें, स्पाइरन की अगर हम बात करें तो यहां पे देखो स्पाइरन का मतलब होता है ये स्ट्रक्चर, ये है ये, मान लो हमारे पास ये दो कंपाउंड है, यानी कि दो साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक रिंग ए और बी, ठीक है, ए और बी है। तो यहां पे देखो एक ही ये जो शेयरिंग है, तो यहां पे इफ टू रिंग शेयरिंग वन कार्बन एटम, इफ टू रिंग शेयरिंग वन कार्बन एटम देन स्पाइरो कंपाउंड विल बी फॉर्म। तो यहां पे लिख सकते हो क्या, इफ टू रिंग, इफ टू रिंग शेयर वन कार्बन एटम, वन कार्बन एटम, इफ टू रिंग शेयर वन कार्बन एटम देन स्पाइरेन कंपाउंड विल बी फॉर्म। यानी कि अगर दो रिंग एक कार्बन एटम की शेयरिंग किया हो तो क्या होगा, वो स्पाइरन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो कार्बन एटम है, तो यहां पे रिंग ए, रिंग ए एंड बी शेयर ओनली वन कार्बन एटम, रिंग ए एंड बी शेयर ओनली वन कार्बन एटम, तो इसको क्या बोलते हैं, स्पाइरेन रिंग। और अगर हम बोले कि इस कायरन कौन सा है कार्बन, क्वार्डिनरी है कि टर्शियरी है कि सेकेंडरी, तो ये कार्बन 1, 2, 3, 4, तो ये कौन सा है, तो ये बोलोगे सर ये क्वार्टिनरी कार्बन है, कौन सा है, क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी कार्बन, क्वार्टरनरी कार्बन। तो स्पाइरन का जो लिंकिंग होता है वो कौन सा कार्बन होता है, क्वार्टरनरी कार्बन होता है। यानी कि ये कार्बन क्वार्टिनरी कार्बन है, ठीक, यानी कि दो रिंग अगर जो है क्या शेयर किया हो, दो रिंग एक कार्बन से शेयर किया हो तो वहां स्पाइरन बनता है, दो रिंग अगर एक सिंगल कोवेलेंट यानी कि दो कार्बन एटम से शेयरिंग हो तो फ्यूज बाइसाइक्लिक कंपाउंड बनेगा, ठीक है। उसी में अगर हम बात करें, ये तो हुआ बाइसाइक्लिक कंपाउंड का, अगर हम बात करें इसका नेमिंग का, आईयूपीएसी नेमिंग,
तो आईयूपीएससी नेमिंग अगर हम बात करें यहां पे आईयूपैक नेमिंग, तो आईयूपैक नेमिंग यहां पे लिखते हैं प्रीफिक्स जो होता है, प्रीफिक्स हम लिखते हैं बाईसाइक्लो। यहां पे अगर बात करेंगे तो यहां पे प्रीफिक्स जो होता है वो होता है स्पाइरो। प्रीफिक्स क्या होता है? स्पाइरो। तो ये ध्यान देना है। अब रूल क्या है उसको हम देखेंगे, यानी कि अगर फ्यूज बाईसाइक्लिक कंपाउंड होगा तो हम प्रीफिक्स बाईसाइक्लो यूज करेंगे, और यदि हमारा स्पाइरो कंपाउंड होगा तो हम प्रीफिक्स स्पाइरो यूज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होता है। तो हम देखेंगे नेमिंग ऑफ फ्यूज बाईसाइक्लिक, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ फ्यूज बाईसाइक्लिक कंपाउंड। उससे पहले हम थोड़ा आपको ट्राईसाइक्लिक भी बता दें कि ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड क्या है। ठीक है, वन बाय वन उसका नेमिंग हम देखेंगे। ट्राई साइक्लिक कंपाउंड, ट्राई साइक्लिक कंपाउंड, ट्राई साइक्लिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, ठीक है, ट्राई साइक्लिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा बेटा, उसमें ब्रिज भी होगा और हमारे पास क्या होगा। देखो यहां पे अगर हम बात करें इसका, ठीक है, ये एक मिनट, अभी इसके पहले हम देखेंगे ये थोड़ा बाईसाइक्लिक कंपाउंड था, फ्यूज बाईसाइक्लिक, अब हम देखेंगे ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, यानी कि दूसरा अगर उसमें हो जाएगा, एक स्पायरन था, दूसरा क्या हो जाएगा, ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड, ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड। ब्रिज फ्यूज बाईसाइक्लिक कंपाउंड था, स्पायरेन था, उसमें एक छूट गया था क्या, ब्रिज बाईसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, ब्रिज बाईसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, तो ब्रिज बाईसाइक्लिक कंपाउंड की अगर बात करो तो ये है हमारे पास, ये कंपाउंड ब्रिज, यानी कि इसमें क्या होगा, वन कार्बन एटम ब्रिजिंग करेगा दो साइक्लिक रिंग में। कैसे, अगर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं तो वही स्ट्रक्चर होगा। देखो यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 एटम हो गया, तो यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 हो। अब इसके और इसके बीच क्या है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन है, यानी ये इस तरह से लिख सकते हो। तो देखो ब्रिज बाईसाइक्लिक कंपाउंड, ब्रिज बाईसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब कि एक जो एटम होगा वो ब्रिजिंग का काम करेगा किसके रिस्पेक्ट में, इस दो रिंग के रिस्पेक्ट में। ये देखो एक रिंग ये हुआ, ठीक, और एक रिंग ये हुआ। अब यानी कि ये अगर बात करोगे तो ये क्या है, ऐसे है, तो ये एक रिंग होगा, यानी कि एक ये वाला 1 2 3 4 5 6, एक ये देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी कि यहां से अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, इसको देखो 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको देखो 1 2 3 4 5, 5 5 का दो रिंग बना, यानी कि ये क्या है, ये देखो ब्रिज भी है और बाईसाइक्लिक भी है। ब्रिज मतलब कि एक जो एटम है वो दोनों के बीच क्या कर रहा है, ब्रिजिंग का काम कर रहा है, दोनों 5 5 मेंबर के रिंग है उनके बीच दोनों क्या है, ब्रिज बनाया हुआ है, तो इसी को बोलते हैं ब्रिज बाईसाइक्लिक कंपाउंड। उसी तरह मान लो हमारे पास ये है, ये भी क्या है, ब्रिज बाईसाइक्लिक कंपाउंड। ब्रिज बाईसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब कि अगर हम इसको ऐसे ड्रा करते हैं,
ये देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब देखो वन और टू, यानी अगर इसको वन मानते हो, ठीक है, तो यहां से एक है, ये क्या बनाया हुआ है, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, ये देखो, यानी ये भी क्या है, ब्रिज बाई साइक्लिक कंपाउंड। ब्रिज बाई साइक्लिक कंपाउंड में ये देखो, ये जो दो कार्बन एटम है वो क्या है, ब्रिजिंग का काम किया है, इनके बीच ब्रिज का बनाया हुआ। तो अगर हम बात करें बाई साइक्लिक कंपाउंड में, तो फ्यूज बाइसाइक्लिक कंपाउंड, ब्रिज बाइसाइक्लिक कंपाउंड और स्पाइरेन होते हैं, ठीक है। हम अब बात करेंगे क्या, ट्राई साइक्लिक कंपाउंड की। तो यहां पे अगर हम बात करें ट्राई साइक्लिक कंपाउंड, यानी कि जो थर्ड कंडीशन होगा हमारे पास बाइसाइक्लिक, देखो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, हमने लिखा क्या, बाइसाइक्लिक, बाइसाइक्लिक कंपाउंड, तो बाइसाइक्लिक में फ्यूज्ड, फ्यूज बाइसाइक्लिक कंपाउंड, फ्यूज बाइसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, यानी इसमें क्या होगा, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग करेगा, फ्यूज बाइसाइक्लिक कंपाउंड इस तरह से होगा, ये हो गया, ये हो गया, या ये हो गया, ये हो गया, ये फ्यूज बाईसाइक्लिक कंपाउंड हुआ। उसी तरह अगर हम बात करें ब्रिज बाईसाइक्लिक कंपाउंड की, तो यहां पे देखोगे तो ब्रिज बाईसाइक्लिक कंपाउंड सेकंड लिख लेना, ब्रिज बाईसाइक्लिक कंपाउंड, बाईसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। ब्रिज बाईसाइक्लिक कंपाउंड की अगर बात करोगे, तो ब्रिज बाईसाइक्लिक कंपाउंड यानी कि ब्रिजिंग होगा इसमें, देखो यहां पे ये हो गया, एक मिनट इसको अच्छे से लिखते हैं यहां पे, तो बाइसाइक्लिक कंपाउंड, बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो यहां पे फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड, बाइसाइक्लिक कंपाउंड, फ्यूज बाइसाइक्लिक कंपाउंड की अगर बात करोगे, यानी फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड, तो फ्यूज बाई साइक्लिक कंपाउंड यानी कि शेयरिंग ऑफ क्या हो जाएगा, दो रिंग, ये एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक। तो ये सब क्या है, फ्यूज बाइसाइक्लिक कंपाउंड है। अगर सेकंड की बात करोगे, तो सेकंड की बात करोगे तो ब्रिज बाइसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा क्या हो जाएगा, ब्रिज, ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड, ब्रिज बाइसाइक्लिक कंपाउंड की अगर बात करोगे, यानी कि क्या होगा, ये एग्जाम्पल के तौर पे ये लिख लो, फिर क्या हो सकता है, ये हो सकता है, फिर इसी तरह ये हो सकता है, तो ये सब क्या है, ये सब ब्रिज बाइसाइकिल कंपाउंड है। उसी तरह अगर बात करो स्पाइरेन की, तो स्पाइरेन की बात करो, स्पाइरेन में क्या होगा, या स्पाइरेन या स्पाइरो, तो उसका एग्जाम्पल देखो, तो स्पाइरेन में हमारा ये भी हो सकता है, स्पाइरेन, ये भी हो सकता है, स्पाइरेन, ये भी हो सकता है, स्पाइरेन,
ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी शेयरिंग क्या है, केवल एक एटम की शेयरिंग है तो वहां पे स्पाइरिन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ब्रिज बाई साइक्लिक कंपाउंड में देखो शेयरिंग, ठीक है, यानी कि दो एटम है या वन एटम क्या है, दोनों रिंग के साथ शेयरिंग है, यहां पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एक दूसरे से शेयरिंग है। उसी तरह आता है ट्राई साइक्लिक कंपाउंड, जब इन दोनों को मिक्स कर दोगे, इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो ट्राई साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। कैसे, अब देखो यहां पे, तो ये बाईसाइक्लिक था, अब हम देखेंगे ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में, ठीक है। तो ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड की अगर बात करोगे, ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक, ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड की अगर बात करोगे तो फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड अगर हम लिखते हैं, यानी कि हम मान लो यहां पे ये है, ये है फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड, क्या है, फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड, फ्यूज बाईसाइक्लिक कंपाउंड। अगर इस फ्यूज बाईसाइक्लिक कंपाउंड में हम क्या करें, ब्रिज लगा दें, फ्यूज बाईसाइक्लिक कंपाउंड है ये, अगर हम बात करो, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो फ्यूज बाईसाइक्लिक है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है फ्यूज बाईसाइक्लिक। अब इस फ्यूज बाईसाइक्लिक कंपाउंड में क्या करें, ब्रिज लगा दो, प्लस ब्रिज, ब्रिज लगा दो, यानी कि ब्रिज यहां कर दो, तो ये क्या हो गया, तो ये फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड प्लस ब्रिज्ड क्या हो जाएंगे, ये ब्रिज लगा दोगे तो यही हो जाएगा क्या, ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड, ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड। अब देखो तीन साइकिल हो गया इसमें, ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड यानी कि वन टू और एक ये थ्री, एक वन टू थ्री फोर मेंबर का एक रिंग, वन टू थ्री फोर मेंबर का एक रिंग, वन टू थ्री थ्री मेंबर का एक रिंग, यानी ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड, यानी फ्यूज बाईसाइक्लिक कंपाउंड प्लस ब्रिज, ब्रिज कर दोगे तो हमको ये मिल जाएगा ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड, फ्यूज बाईसाइक्लिक कंपाउंड प्लस ब्रिज तो ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है बेटा। तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट किसके बारे में, बाईसाइक्लिक क्या होगा, बाईसाइक्लिक में भी देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एटम के कार्बोसाइक्लिक हो सकता है, हेट्रोसाइक्लिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूजन यानी कि बॉन्ड के शेयरिंग के बेसिस पे, तो बॉन्ड शेयरिंग के बेसिस पे फ्यूज बाईसाइक्लिक कंपाउंड, जब दो रिंग एक कोवेलेंट बॉन्ड को शेयर करे तो फ्यूज बाईसाइक्लिक कंपाउंड। उसी तरह ब्रिज बाईसाइक्लिक कंपाउंड, जब दो रिंग एक या एक से ज्यादा एटम के थ्रू शेयरिंग करें तो ब्रिज बाईसाइक्लिक कंपाउंड। उसी तरह स्पाइरेन यानी कि जब दो रिंग एक ही कार्बन एटम को शेयर करे तो स्पाइरेन का फॉर्मेशन होता है। फिर आया ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड, ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड यानी कि फ्यूज भी होगा और ब्रिजिंग भी होगा तो वहां पर ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो इन सारी चीजों को हम लोगों ने बैकग्राउंड देख लिया है, अब हम देखेंगे नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड में, यानी कि नेमिंग ऑफ फ्यूज बाईसाइक्लिक कंपाउंड। तो आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ, तो यहां हेडिंग डालोगे नेमिंग ऑफ फ्यूज बाईसाइक्लिक कंपाउंड, फ्यूज बाईसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक, फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड का हम सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं, ये ये एक रिंग हमारा ये ए है और दूसरा रिंग हमारे पास बी है, ठीक।
ठीक है, दो रिंग है और ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग से शेयरिंग है, तो क्या है ये है। अब इसके लिए हम बात करें तो इसके लिए हम प्रीफिक्स जो लगाते हैं वो प्रीफिक्स लगाते हैं क्या, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, प्रीफिक्स बाईसाइक्लो, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहां पे ये हमारा जंक्शन वाला कार्बन है जो दोनों रिंग को शेयर किया है इस कोवेलेंट बॉन्ड से, तो यहां से लिखोगे कि नंबरिंग स्टार्ट, नंबरिंग, नंबरिंग, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम, कहां से स्टार्ट करोगे, जंक्शन कार्बन से, ठीक है, ठीक है, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज्ड हेड कार्बन या जंक्शन कार्बन, ठीक है, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन और जंक्शन कार्बन, और जंक्शन कार्बन, कार्बन एंड मूव, एंड मूव टू लार्जर रिंग, लार्जर रिंग देन स्मॉलर रिंग, स्मॉलर रिंग। कहने का मतलब कि नंबरिंग हम अगर इसके केस में करेंगे तो नंबरिंग हम क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे ब्रिज हेड कार्बन से, जिस कार्बन से दोनों बॉन्ड का शेयरिंग होता है उसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। इसको क्या बोलेंगे बेटा, ब्रिज्ड हेड, ब्रिज्ड हेड कार्बन। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी वही है, ब्रिज हेड कार्बन, BHC, ठीक है। तो नंबरिंग हम करेंगे इसमें ब्रिजेड कार्बन को स्टार्ट करेंगे, फिर लार्जर रिंग पे जाएंगे, देन कहां जाएंगे, स्मॉलर रिंग पे, कार्बन एंड मूव टू लार्जर रिंग देन स्मॉलर रिंग, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम इस कंपाउंड की बात करें, ठीक है, अगर हम इस कंपाउंड की बात करें, ठीक है, तो ये देखो यहां पे, यही तो हमने बनाया है यहां पे, ये है, इसको हमने बोला कि ये ए रिंग और ये बी रिंग। तो हमारा ए और बी रिंग की अगर बात करोगे तो ब्रिज हेड कार्बन ये भी है और ये भी है, तो कह रहा है कि नंबरिंग हम इस ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करेंगे, और जंक्शन कार्बन भी यही है, इस जंक्शन कार्बन से स्टार्ट करेंगे, तो नंबरिंग हम उस जंक्शन कार्बन से स्टार्ट करेंगे। तो हम देखो यहां पे हम दो वे में हम लिख जाएंगे इसको, टू वे में इसको बताएंगे आपको कि आप कैसे करोगे इसको। तो यहां पे देखो हमने बोला कि नंबरिंग हम जंक्शन कार्बन से स्टार्ट करने जा रहे हैं, कहां से बेटा, जंक्शन कार्बन, या इसी को हम ब्रिज हेड कार्बन से। तो ये हमारे पास है, ये है, तो अगर हम नंबरिंग मान लो इस कार्बन से स्टार्ट किए बेटा, ये हमारा जंक्शन कार्बन है, इस कार्बन से स्टार्ट किए, स्टार्ट करने के बाद मूव टू लार्जर रिंग, यानी हम मूव करेंगे लार्जर रिंग पे, ये वन हो गया तो ये टू होगा, ये थ्री होगा, ये फोर होगा, ये फाइव होगा, ये सिक्स होगा, ये सेवन होगा और ये एट होगा, ठीक है। अगर हम इसके दूसरे सेंस में लेते हैं यहां पे, तो अगर इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये सेम कंपाउंड ए और बी, ये जंक्शन कार्बन, ये जंक्शन कार्बन, ठीक है। अब तुम कहोगे कि सर हम यहां से ना लेके यहां से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वहां से भी कर दो, तो यहां से करोगे बेटा तो ये फर्स्ट कार्बन, यहां लार्जर रिंग, सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट। तुम किसी भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, दोनों रिंग में सेम डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है। ये हो गया, अब नंबरिंग हो गया, ठीक है, अब इसका हम नेमिंग कैसे करेंगे। तो
तो इसमें केवल नंबरिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। अब नेमिंग कैसे करोगे, तो देखो अब लगाओगे प्रीफिक्स, हमने लिखा बाईसाइक्लो, तो यहां सबसे पहले लिखोगे बाईसाइक्लो, ठीक है, बाईसाइक्लो लगाया। अब लगाओगे तुम ब्रैकेट इस टाइप से, बाईसाइक्लो। अब इसको ढक दो तुम, इस कार्बन को ढक दो, इस कार्बन को, ये जो शेयरिंग कार्बन है इसको हमने ढक दिया। अब इसके बाद देखो कार्बन एटम को काउंट करो, इसके बाद इसको ढकने के बाद इधर कार्बन, इस रिंग में कार्बन एटम को काउंट करोगे तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, चार कार्बन बच रहा है, तो सबसे पहले यहां पे फोर लिख दो, यानी कि सबसे पहले हम लार्जर रिंग को देखेंगे, ठीक। इस लार्जर रिंग में कितने, इसको ढकने के बाद इस कार्बन को हमको काउंट नहीं करना है, जो शेयरिंग वाला कार्बन है उसको हमको काउंट नहीं करना है, ठीक है, इसको हमको काउंट नहीं करना है, इस शेयरिंग वाले कार्बन को ढक दो। तो देखोगे यहां पे ढकने के बाद एक दो तीन चार कार्बन यहां बचा, चार हमने लिख दिया। अब चार के बाद डॉट लगा दो। अब देखो इस स्मॉलर रिंग में इसको ढका हुआ है, वन और दो, टू कार्बन बचा है, तो यहां पे टू लिख दो। और ये जो शेयरिंग वाला है बेटा, वो शेयरिंग वाला दोनों में है, तो इसलिए यहां पे जीरो लिखेंगे, ब्रैकेट कर दो, क्लोज। अब कितने कार्बन का चयन हुआ है, आठ कार्बन, आठ कार्बन का रूट वर्ड ऑक्टेन। हो तो गया, यही है इसका आईयूपीएसी नेम, कुछ भी नहीं है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले नंबरिंग को ध्यान रखना है, नंबरिंग ब्रिजहेड कार्बन और जंक्शन कार्बन से स्टार्ट करना है और लार्जर रिंग में मूव करना है, देन हमको स्मॉलर रिंग में मूव करना है, प्रीफिक्स बाईसाइक्लो लगाना है, और बाईसाइक्लो लगाने के बाद ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट के बाद जो शेयरिंग कार्बन है उसके बाद जितने कार्बन बच रहे रिंग में उसको लिखना है, फिर डॉट, फिर स्मॉलर वाले को लिखना है, और इस फ्यूज वाले के जीरो लगाना है, ठीक है। इस फ्यूज वाले के लिए हमको क्या लगाना होगा, जीरो लगाना होगा। तो इस तरह से हम नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां फटाफट, ये है, ये है, इसका नेमिंग कैसे करोगे, तो देखो ये भी क्या है, फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, तो एक रिंग हमारे पास क्या है, ये हो गया और एक रिंग बी हो गया। अब कैसे करोगे नेमिंग, तो हमको जंक्शन कार्बन यहां पे दिख रहा है और एक यहां पे दिख रहा है, तो यहां पे दिख रहा है तो हम यहां से स्टार्ट किए, वन, फिर लार्जर रिंग, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, तो टोटल सेवन कार्बन एटम, यानी रूट वर्ड क्या हो जाएगा, हेप्टेन। तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, तो प्रीफिक्स लिखाओ, क्या लिखोगे, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, ब्रैकेट लगाओगे, बाईसाइक्लो के बाद इसको ढक दिए, एक दो तीन चार कार्बन बच रहा है तो फोर लिख दिए, फिर इसको ढको, एक कार्बन इधर बच रहा है, वन लिखो, फिर इसके लिए जीरो लिखोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, रूट वर्ड लिखोगे, रूट वर्ड क्या लिखोगे, हेप्ट लिखोगे, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो दिस इज आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस पार्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, बाईसाइक्लो 410 हेप्टेन। फटाफट करते हैं आगे, क्वेश्चन देखो फटाफट, ये देखो ये है, ठीक है, ये भी क्या है, फ्यूज बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, तो फ्यूज बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, तो ये ब्रिज कार्बन हुआ, ठीक है, ये भी ब्रिजिंग हुआ और ये ब्रिज कार्बन हुआ, तो नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे, वन, और देख रहे हो टू, ये थ्री, ये फोर, ठीक है। अब वन टू थ्री फोर, तो क्या लिखोगे, बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो, ब्रैकेट क्लोज करो, इसको ढक दो, तो एक कार्बन बच रहा है तो वन, फिर डॉट, इधर देखो वन कार्बन बच रहा है तो वन, ये क्या हुआ, जीरो, कितने कार्बन है, चार, तो ब्यूटेन। उसी तरह अगर हम बात करें, इसका नेमिंग करो फट से,
ये है, तो एक रिंग ए एक रिंग बी, यहां पर भी ए और बी था, ठीक है। तो ये हमारा ब्रिजिंग कार्बन हुआ, इस ब्रिजिंग कार्बन को हम पोजीशन वन देंगे, यहाँ टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन एटम है, ठीक है, सेवन एटम है। तो क्या लिखोगे सबसे पहले, बाईसाइक्लो बाईसाइक्लो बाईसाइक्लो, ब्रैकेट क्लोज करोगे, यहां पे इसको ढक लो, दो एक दो तीन एटम बच रहा है, यानी कि थ्री, यहां पे देखो टू, यहां पे हो जाएगा टू और यहां पे हो जाएगा जीरो, और कितने कार्बन है, सेवन कार्बन है, तो यहां पे हेप्टेन। तुम बताओ अब इसमें दिक्कत कहां है, ठीक है। ये है हमारा क्या, बाईसाइक्लो कंपाउंड की। अगर हम बात करें इसकी, इसका नेमिंग करो फट से, इसका नेमिंग करोगे तो क्या लिखोगे, तो ये हमारा ब्रिजिंग कार्बन हुआ, दिस इज माय ब्रिजिंग कार्बन, दोनों में ये ए रिंग और ये बी रिंग, तो दोनों में क्या है, रिंग इक्वल है, तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। मान लो हमने इसको वन दिया, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन दे दिया, अब क्या लिखोगे यहां पे, बाईसाइक्लो बाईसाइक्लो, ठीक है, बाईसाइक्लो ब्रैकेट वो एक दो तीन चार, इसको ढक लो, एक दो तीन चार कार्बन एटम बचा, तो चार इधर फिर चार इधर फिर जीरो, फिर कितने हैं, डेकेन। तो इस तरह से हम इसका नेमिंग करते हैं, ठीक है, कब, जब बाईसाइक्लिक कंपाउंड दिया हो तब। फिर अगर बात करो, अगर हमारे पास मान लो सब्स्टिट्यूएंट है, इस बाईसाइक्लिक कंपाउंड पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, उस कंडीशन में क्या कैसे करोगे, इफ सब्स्टिट्यूएंट इज अटैच्ड, इफ, तो कंडीशन क्या है, इफ सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट ऑन बाईसाइक्लिक, इफ सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट ऑन बाईसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, तो वहां पे भी देखेंगे। तो यहां पे नंबरिंग देखो, यहां पे नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम कहां से नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड, ब्रिज हेड कार्बन, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन एंड मूव मूव टू लार्जर रिंग, लार्जर रिंग मूव टू मूव टुवर्ड्स लार्जर रिंग, मूव टुवर्ड्स लार्जर रिंग इन सच ए वे, इन सच ए वे सब्स्टिट्यूएंट गेट, सब्स्टिट्यूएंट गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, ठीक है। अगर हमारे पास मान लो ये कंपाउंड है और यहां पे एक सी एस थ्री ग्रुप अटैच्ड है, ये रिंग ए है ये रिंग बी है, इस कंडीशन में हम नंबरिंग कैसे करेंगे, तो नंबरिंग का रूल वही है, ये हमारा ब्रिज कार्बन है, ठीक है, तो कह रहा है कि ब्रिज हेड कार्बन से, ठीक है, ब्रिज हेड कार्बन से मूव करेंगे, तो ब्रिज हेड कार्बन को हमने वन पोजीशन दिया, ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव ये सिक्स ये सेवन ये एट ये नाइन, नाइन पोजीशन पाया,
ठीक है। अगर हम बात करें यहां पे इसी कंपाउंड का, तो ये देखो ये रिंग ए है, ये रिंग बी है, यहां पे CH3 ग्रुप अटैच्ड है। तो हमारा एक ब्रिज कार्बन ये भी है और दूसरा ब्रिज कार्बन क्या है, ये भी है। अगर हम मान लो यहां से स्टार्ट करते हैं तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। तो इस कंडीशन में ये जो मिथाइल ग्रुप है वो 9th पोजीशन को ऑक्यूपाई किया है और इसमें 7th पोजीशन को ऑक्यूपाई किया है। हम सारे रूल को उसी के अकॉर्डिंग ब्रिजहेड से स्टार्ट यहां भी किए हैं, ब्रिजहेड से स्टार्ट यहां भी किए हैं, लार्जर रिंग में मूव किए पहले, यहां भी लार्जर रिंग में मूव किए हैं। लेकिन दोनों ही कंडीशन को फुलफिल करते हुए इसमें जो है सब्स्टिट्यूएंट हमारा 7th पोजीशन पे आ रहा है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट 9th पोजीशन पे आ रहा है। तो 7 इज लेस देन 9, या दूसरे कह सकते हो 9 इज ग्रेटर देन 7। तो कह रहा है कि क्या लार्ज रिंग इन सच वे सब्स्टिट्यूएंट गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो 9 और 7 में अगर तुमको आता हो तो 7 क्या है, लोअर है, 9 ज्यादा है, तो हमारा नंबरिंग जो होगा वो करेक्ट होगा और ये रॉन्ग होगा, ये रॉन्ग होगा और ये करेक्ट होगा। तो हम इस तरह से नंबरिंग नहीं करेंगे, हम ये वाला नंबरिंग को फॉलो करेंगे। जब ये वाले नंबरिंग को फॉलो करोगे तो क्या लिखोगे यहां पे बताओ, क्या लिखोगे तुम? तो सबसे पहले देखो 7th पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो 7 मिथाइल क्या लिखोगे, 7 मिथाइल, फिर क्या लिखोगे, बाईसाइक्लो, 7 मिथाइल बाईसाइक्लो। अब क्या ब्रैकेट लगाओगे, अब इधर देखो इसको ढको, इसको ढक दो, तो 1, 2, 3, 4 कार्बन एटम बच रहा है, यानी कि 4 ये हो गया। फिर इसको ढको, 1, 2, 3, 3 है, ठीक है। फिर 0 शेयरिंग के लिए कितने कार्बन का चयन है, 7th का चयन है, तो क्या लिखोगे, हेप्टेन। तो 7-methyl-bicyclo-4-3-0-heptane इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। ये तो हुआ इस तरह से अगर दिया है तो। अगर मान लो हमको इसी तरह और दिया हो, जैसे मान लो ये दिया हो, यहां पे Br है, यहां पे CH3 है, ठीक है। अब देखो यहां पे ये हमारा क्या है, जंक्शन कार्बन, ये रिंग मान लो हमारा A हो गया, ये B हो गया। अब कह रहा है कि जंक्शन कार्बन से हमको स्टार्ट करना है, तो जंक्शन कार्बन से स्टार्ट करना है और लार्जर टू स्मॉलर रिंग, तो ये 5 मेंबर है, ये 4 मेंबर है, यानी कि हमको इस लार्जर रिंग में मूव करना है। तो लार्जर रिंग में मूव करोगे तो यहां से हमने देखा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक 3 पे आ रहा है और एक 6 पे आ रहा है, ठीक है। अगर तुम यहां से मूव करते, ठीक, अगर तुम मान लो इसी कंपाउंड को हम ऐसे लिखते हैं, ये है Br, यहां पे CH3। अगर हम इस सेंटर से चलते हैं तो यहां पे मान लो हमने 1 लिखा, फिर ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 3 पे आ रहा है और एक 7 पे आ रहा है यहां पे। यानी कि नंबरिंग का जो वे होगा हमारा, ये सही होगा, ये गलत होगा, क्योंकि एक 3 पे आया और एक 7 पे आया, एक 3 पे आया, एक 6 पे आया, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला सही होगा नंबरिंग का करेक्शन, यानी नंबरिंग का ऑर्डर जो होगा वो ये होगा और ये गलत होगा। अब नाम नेमिंग करना है, तो नेमिंग करना है तो क्या लिखोगे, सबसे पहले ये Br है और ये मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकली B पहले आता है, M बाद में आता है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 3-bromo, फिर क्या है,
6 मेथाइल 3 ब्रोमो 6 मेथाइल। अब क्या लगाओगे? बाईसाइक्लो। लार्जर रिंग का देखो, इस लार्जर 1 2 3, यानी कि 3, इधर 2.0, कितने कार्बन का चेन है? 6 कार्बन का है, तो हेक्सेन। सेवेंथ है ना बेटा, हेप्टेन होगा। क्या हो जाएगा? हेप्टेन, 7 कार्बन का चेन है। ठीक है, इस तरह से अगर हम देखते हैं, अगर हम बात करें, एक और कंपाउंड ले लो, ये है ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इसको रहने देते हैं अभी। अब देखोगे ब्रिज वाले का केस में देखोगे, तो ब्रिज वाले केस की अगर हम बात करें, तो ये देखो फ्यूज बाइसाइक्लिक आईपीएसी नेमिंग ऑफ, यहां पे डालो क्या, नेमिंग ऑफ ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड। ब्रिज बाइसाइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग देखते हैं, तो ब्रिज बाइसाइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग अगर देखोगे तो कैसे करोगे इसको, देखो यहां पे सपोज करो मेरे पास ये है, ये है ठीक, तो यहां भी क्या नेमिंग स्टार्ट करेंगे किससे, ब्रिज हेड कार्बन से। तो हमारे पास ब्रिज हेड कार्बन ये भी है और ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो हम मान लो यहां से स्टार्ट किए, तो ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशन, 4 5 6 7 ठीक है। अब क्या लिखोगे बेटा, बाईसाइक्लो, क्लोज करो ब्रैकेट। अब इस ब्रिजिंग का है तो इसको छोड़ो, इधर देखो, तो इधर क्या देख रहे हो, इधर हमारे पास 2 कार्बन एटम बच रहा है, ये तो 2 लिखोगे ठीक है, फिर इधर देखो, इधर ये 2 लिखोगे, यानी कि यहां पे 2 लिखोगे, और फिर ये ऊपर क्या है, 1 बच रहा है, तो ये 1 लिखोगे, और कितने कार्बन का है, 7 कार्बन का है, तो हेप्टेन। तो बाईसाइक्लो 2 2 1 हेप्टेन ठीक है। अगर हम बात करें इसी तरह, नेक्स्ट देखो यहां पे, ये है ये कंपाउंड है, तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करो ब्रिज हेड पोजीशन से, यानी कि अगर मान लो इसको 1 करते हो, तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ये कोई कार्बन नहीं है, ये ऐसे बॉन्ड निकला हुआ है। अब हमको 3 डायमेंशनल तो इस पर लिख नहीं सकते हैं, तो ये कोई जंक्शन नहीं है बेटा, ये क्या है, ये ऐसे इसको क्रॉस किया है ऊपर से, जैसे ये पहले लिख दिया, ये ऊपर से ऐसे दिख रहा है, एक्चुअल में ये ऐसे है, ये जो रिंग है वो ऐसे है ठीक है, यानी तुम देखने का व्यू है वो तुम चेंज करोगे तो ये दिखेगा तुमको, यानी कि ये कोई जंक्शन वाला कार्बन नहीं है, ये एक बॉन्ड है, ये कार्बन है और इस कार्बन के बीच बॉन्डिंग है, और ये कार्बन है और इसके बीच बॉन्ड है, ये यहां पे कोई कार्बन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक है और ये थोड़ा ऐसे निकला हुआ है, ऐसे दिख रहा है, यानी तुम अगर बात करो ऐसे है, ये ऐसे दिख रहा है तुमको, तुम देखोगे तो ये रिंग है और तुमको ये जो रिंग है ये वाला वो ऐसे दिखेगा, ये वाला बॉन्ड सामने दिख रहा है ठीक है, यानी कि यहां पे कोई कार्बन एटम नहीं है, भूलकर भी यहां पे नंबरिंग मत कर देना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब लगाओगे क्या,
बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। इधर देखो, इधर कितना है, दो कार्बन एटम बच रहे हैं तो यहां पे टू, फिर यहां देखो यहां भी दो कार्बन, वन और टू तो टू, फिर ये वाला देखो ये वाला दो कार्बन, ये तो टू, ठीक है टू टू टू, और ये कितना हो गया, एट कार्बन है ऑक्टेन रूट वर्क। तो बाईसाइक्लो टू 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 ऑक्टेन इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। अब देखो अगर बाईसाइक्लिक कंपाउंड पे भी क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हो, तो वहां भी सेम रूल हम देखते हैं क्या कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर हम देते हैं। जैसे यहां पे मान लो ये है, ठीक है, तो हमारा ब्रिज कार्बन ये है, ठीक है, ब्रिज वाला हमारा कार्बन ये है, तो ब्रिज से स्टार्ट करेंगे, यानी कि ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इस सेवन पे देख रहे हो, इस सेवन वाले पे क्या है, दो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो कैसे लिखोगे, पहले लिखोगे सेवन सेवन डाई मिथाइल, सेवन सेवन डाई मिथाइल, ठीक है, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, और क्या लिखोगे यहां पे देखो, बाईसाइक्लो टू, क्योंकि ये दो, ये दो टू डॉट टू, ये क्या है वन, कितना हो जाएगा हेप्टेन। ठीक है, अगर बात करें इसी कंपाउंड का, अगर हमने यहां पे लिख दिया ये देखो ये है, ठीक है, अगर हम इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग करना चाहते हैं और ये है, ठीक, अगर ये कंपाउंड दिया है तो देखो क्या करोगे, ये भी ब्रिज हेड कार्बन है, ये भी ब्रिज हेड कार्बन है, बट यहां पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, एमी ग्रुप, यहां पे भी एक एमी ग्रुप है और यहां पे भी एमी ग्रुप है, तो ब्रिज हेड ये भी है, ब्रिज हेड ये भी है, तो हम किसी भी ब्रिज से स्टार्ट करेंगे, तो यदि हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो हमको ये लोएस्ट पॉसिबल नंबर भी मिल जाएगा, यानी कि नंबरिंग हम इस ब्रिज से अभी स्टार्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इस तरह से नंबरिंग करेंगे। अब देखो लिखेंगे क्या, नेमिंग लिखेंगे इसका, तो वन पे एक है, सेवन पे है, सेवन पे है, फिर क्या लिखोगे, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल एक पर एक मिथाइल ग्रुप, सेवन पे दो मिथाइल ग्रुप, ट्राई मिथाइल, फिर क्या लिखोगे, बाईसाइक्लो, अब क्या हो जाएगा टू टू वन, ये टू कार्बन, ये दो कार्बन और ये एक कार्बन, यानी कि टू डॉट टू, ठीक है, वन कितने कार्बन का है, सेवन कार्बन का है, तो हेप्टेन। तो ये है इसका आईयूपीएसी नेमिंग का कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें यहां पे, ये देखो ये कंपाउंड है, ठीक है, और एक सी एस थ्री ग्रुप यहां जुड़ा है, एक बी आर यहां जुड़ा है, अब ये भी ब्रिजिंग है, ये भी ब्रिजिंग है, तो ब्रिज कार्बन से स्टार्ट करते हैं, तो ब्रिज कार्बन से लार्जर रिंग की तरह मूव करेंगे, तो यहां पे देखो ये वाला और ये वाला, तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन का है, ये वन टू थ्री फोर फाइव का है, तो सेवन वाला है, यानी कि हम सेवन की तरह मूव करेंगे, तो हम यहां से अगर स्टार्ट करते हैं, इसको अगर हम देखते हैं क्या, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, अगर तुम यहां से स्टार्ट करते तो वन टू थ्री फोर फाइव पे सब्स्टिट्यूएंट आता, यहां से स्टार्ट किए तो टू पे सब्स्टिट्यूएंट आया, तो लोएस्ट टू है कि फाइव, तो कहोगे सर टू है, इसलिए हम नंबरिंग इस ब्रिज से स्टार्ट करेंगे। ये ब्रिजिंग किसी भी स्टार्ट कर रहा है, यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी, अब देखोगे सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट किस पे पा रहा है, तो यहां से देख रहे हो तो यहां लोएस्ट पा रहा है, इसलिए नंबरिंग हमने यहां से किया है,
ठीक है, अब नंबरिंग कर दिया है तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखो, दिस स्टार्ट फ्रॉम बी और दिस स्टार्ट फ्रॉम एम, तो बी और बी एम में पहले कौन आता है, तो बी आता है, तो क्या लिखोगे यहां पे, नाइन ब्रोमो टू मेथाइल बाईसाइक्लो, नाइन ब्रोमो टू मेथाइल बाईसाइक्लो, ठीक है। अब बाईसाइक्लो हो गया, अब देखो यहां पे सबसे पहले देखो यहां पे इसको ढको इस ब्रिज को, तो 1 2 3 4 फोर कार्बन एटम बच रहा है, यहां पे ढक रहे हो तो 2 2 आया, फिर 1, ठीक है, और ये कितना बच गया, कितने कार्बन हो गया, 9, तो नोनेन। तो दिस इज द आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें यहां पे ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड की, तो ये था हमारा क्या, कि जब हमारा बाईसाइक्लिक कंपाउंड होगा उस कंडीशन में क्या नेमिंग होगा, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में और स्पाइरेन मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है, और पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा आईयूपीएसी नेम, लास्ट लेक्चर एक बचा हुआ है उसमें पूरा आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा, फिर बेसिक के बाद आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ा, तो आईयूपीएसी नेमिंग भी नेक्स्ट एक लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप मेरे साथ चलते हो, तैयार करते चलते हो, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लिख के रख देते हो या लेक्चर नहीं देखते हो या लेक्चर देखकर छोड़ देते हो, क्वेश्चन नहीं करते हो, तो आपको डाउट आना ही आना है, ठीक है बेटा। तो मैं ज्यादा आपसे कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आप खुद समझदार हो, करोगे तो बढ़ोगे, नहीं करोगे तो वहीं रहोगे, ठीक है बेटा। तो आज का लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं, ओके, बाय बाय।